जय साथियों, आज हम बात करते हैं कि नया आयोग, नई शिक्षक भर्ती पर क्या है सच्चाई। नया आयोग कब तक बनेगा और नई शिक्षक भर्ती कब तक आपको देखने को मिलेगी, कितने पदों पर हो सकती है नई शिक्षक भर्ती। तमाम तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, तमाम तरह के पोस्ट भी यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या क्या इसमें सच्चाई हमें आपको देखने को मिल सकती है, इस पर एक एक करके हम बात करेंगे। आपने देखा होगा चंदौली, सिद्धार्थनगर समेत उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से बेशिक्षा विभाग रिक्त पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। इस रिक्त पदों का ब्यौरा इकट्ठा करने का सबसे प्रमुख कारण है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के प्रमोशन, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के तबादले, समायोजन, उसके बाद एक नई शिक्षक भर्ती का आगाज। सामने चुनाव है, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। उसके पहले बीटीसी बीएड का विवाद भी एक अहम मुद्दा था, जो माननीय न्यायालय ने अब अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है। अब जो क्रम बढ़ रहा है आपके सफलता की तरफ, वो है नई शिक्षक भर्ती के लिए। जी हाँ, आप सभी साथी जो टेट या सीटेट पास हैं, आज से ही लग जाएं नई शिक्षक भर्ती की तरफ, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती आपके 5 साल के तपस्या का वह समय आ गया है जब आपको परिणाम देना है। क्योंकि अब की बार एक सीट हमारे के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको अपना बेहतर देना होगा। उत्तर प्रदेश की यह 30वीं सबसे बड़ी भर्ती होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ट्वीट करके जिसके बारे में अवगत कराया था, उन पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। अब जो भी साथी कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं कि कब आएगी शिक्षक भर्ती, कब आएगी शिक्षक भर्ती, तो मान लीजिए अब उसकी घड़ी उल्टी चल रही है। इस वर्ष के अंत तक, आप 2023 जो चल रहा है, इस वर्ष के अंत तक आपको उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि उसके पहले आपको टेट परीक्षा देना पड़ेगा। कई बार लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई कि टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नई शिक्षक भर्ती में आपको जो नया आयोग होगा, नए पैटर्न परीक्षा कराएगा, सिलेबस में पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होना है। बस अपनी तैयारी को आप एक एक कर बेहतर करते चलिए, क्योंकि अब की बार आपको अपना सपना, अपने परिवार का सपना सजोना है। क्योंकि कई सालों से, कई महीनों से लोग कोस रहे हैं, कब होगे नौकरी करोगे, बीटीसी कर लिया, डेलर कर लिया, बीएड कर लिया, ऐसे तमाम बार कहा जा रहा था। इसके लिए हम आपसे फिर से कहेंगे, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। उत्तर प्रदेश का 75 जनपद की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 3683 पद के लिए ये दिखाया गया है, यह सिद्धार्थनगर में रिक्त पद दिखाए गए हैं। ये कई जगह आपने वायरल देख लिया होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि चंदौली का भी वायरल है, जहां पर बताया जा रहा है लगभग 1549 पद पर पद खाली है। तो उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती का आगाज होना है, वो नए आयोग के द्वारा होगा और नए आयोग परीक्षा का पैटर्न वही रखेगी, लेकिन एक यूपी टेट के बाद ही एक अगला शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से जुड़े, क्योंकि आपने देखा है उत्तर प्रदेश में हजारों छात्रों ने ई लर्निंग विद दुर्गेश से पढ़कर अपने सपनों को साकार किया है। मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में आ रही है, आप घर बैठकर अपनी सभी तैयारी कर सकते हैं। और आपको जो सिलेबस एक बार पहले पढ़ना चाहिए, सिलेबस को पूरा ध्यान से पढ़ने के बाद आप उस पर फोकस करिए कि क्या क्या पॉइंट पढ़नी है। सुपर टेट जो होना है नए आयोग की तरफ से होगा। अब परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, तो परीक्षा में कठिनाई स्तर बढ़ा दी गई है। अब पेपर में जो प्रश्न आएंगे कूट वाले आएंगे। एक सवाल बार में पूछा जा रहा था, क्या नकारात्मक अंक होगा क्योंकि नया आयोग बनेगा? जी नहीं, नए आयोग से अगर परीक्षा होगी तब भी अब नकारात्मक अंक आपके नहीं होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एकदम ध्यान रखें, 150 नंबर का पेपर जैसा होता था उसी तरह से होगा। और दूसरी बात, इंटरव्यू नहीं होंगे। इसमें कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं इसमें साक्षात्कार होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति से होगा 1/4 जुड़ेगा। तो जो 1/4 की जो अफवाह फैला रहे थे वो भी पूरी कोरी है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू है वो भी पूरी तरह से, जो बार बार कह रहे थे कि सर यहाँ पर इंटरव्यू होगा तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय सरकार आप सभी को भर्ती देने के लगभग प्रतिबद्ध है। तो जो पूछा जा रहा है सर कितने पदों पर होगी, तो जो 51,000 पदों का हलफनामा था, तो लगभग 51,000 प्लस माइनस अगर हम बात करें तो पदों पर भर्ती हो सकती है। परीक्षा का पैटर्न वही होगा, सिलेबस वही होगा, बस जो प्रश्न पूछने का तरीका होगा उसमें थोड़ी सी कठिनाई लाई जाएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि सर टेट और सीटेट में से क्या पास होना जरूरी है। तो आप चाहे टेट पास है यूपी का या आप सीटेट पास है, दोनों में से अगर कोई भी एक पास है तो आप वैलिड है। पास का मतलब 82 और 90, जिनका 90 है जिनका 82 है उसके प्लस है और आपकी मार्कशीट पर पास लिखा गया। एक सवाल आ रहा है कि सर 2021 जो 22 में यूपी टेट हुआ था
उनका भी रिजल्ट नहीं आया है तो क्या वो इस भर्ती में सम्मिलित होंगे? जी हाँ, वो भी इस भर्ती में सम्मिलित होंगे। उनका मार्कशीट जल्दी आपको मिल जाएगा क्योंकि 102 महीने का समय और रिजर्व हो गया। रिजर्व होने के साथ साथ ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से गतिमान हो जाएगी। तो आप सभी लोग जो भी हाउसवाइफ हैं, जो लड़कियां अभी पढ़ रही थी, जिन्होंने बीटीसी डिलीट किया था, जो बहुत सारे से मेधावी 15 बैच, 14 बैच, फिर 17, 18 बैच, 19 बैच, 21 बैच, जो तमाम डिलीट के साथी हैं, जो जिनकी डिग्री पूरी हो चुकी, जिन्होंने टेट पास कर लिया है, अब उनके पास एक समय है अपने आप को बेहतर करने का। आप भी तैयारी करते रहिएगा। अगर आपको कोई सवाल है, प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर नोट से जुड़ा कोई सवाल हो, ई-लर्निंग दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट संबंधित सभी जानकारी आप ले सकते हैं। जी हाँ, मेरी भी कैसेज आप सभी के लिए निःशुल्क शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन। जी हाँ ये 21 तारीख से आप अपनी तैयारी को पूरी रख सकते हैं, जहां पर हम सुपर टेट स्पेशल बैच लेकर चलेंगे, जहां पर यूपी टेट के साथ साथ आप सुपर टेट की पूरी क्लासेस पढ़ सकते हैं। ये सभी सीरीज आप सभी के लिए इन लर्निंग विद दुर्गेश पर होगी, क्योंकि आपका सपना साकार करना है, अपने परिवार का सपना साकार करना है, तो फिर देर मत करिए, जुड़ जाइए। आपके पास सिलेबस होगा, किताब होगा। कुछ लोग के मन में आ रहा सर करंट अफेयर कहां से पढ़े, तो करंट अफेयर को भी रोक के रखिएगा जब तक विज्ञप्ति ना जाए, जब तक विज्ञापन ना जाए करंट, क्योंकि तब तक हो सकता है करंट आपका पुराना हो जाए और भूल भी जाएगा। तो इस समय परीक्षा के नजदीक आने का करंट पर फोकस करेगा। अभी आप विविध पर फोकस करिए, अभी आप गणित पर फोकस करिए, अभी पर्यावरणीय अध्ययन पर फोकस करिए, उसकी स्टडी पर फोकस करिए, अभी उन टॉपिक पर फोकस करिए जहां से आपके परीक्षा में खूब सारे झोला भर भर के सवाल आ सकते हैं। नोट्स के साथ हम इलर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए फिर से ला रहे हैं इस बार, अब की बार एक से ठमार की इलर्निंग विद दुर्गेश की लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन इलर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल फेसबुक के माध्यम से। आज ही आप इसके सभी क्लासेस के लिए इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करें और सभी क्लासेस को पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करके रखिएगा, और अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि आपके लिए भर्ती का पिटारा खुलने जा रहा है। तो फिर से शुरू करिए तैयारी, क्योंकि आपकी जो तैयारी है, जो आपकी मेहनत है, ये हमेशा आपके साथ होगी। कोई सवाल हो इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब की बार एक से हमार। थैंक यू।